दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं स्टेटोगैंथस एंड एमोनाइट के बीच में कंपैरिजन करूंगा। ये दोनों ही प्राचीन जीव है और इनका नाम आपने शायद ही सुना होगा। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि इनमें से बेस्ट कौन है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेटोगैंथस, ये जीव हमारे पृथ्वी पर 400 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे, लेट डेवोनियन पीरियड से लेकर कार्बोनिफरस एरा तक। इस जीव को शार्क का वंशज भी माना जाता है और एक हेलोसेफेलियन की तरह दिखता है। ये जीव एक तरह की प्रीहिस्टोरिक शार्क थी जिसके ऊपर की ओर डोर्सल फिन होती है जो एक स्पाइन की तरह दिखती है, जिसे स्पाइन ब्रश कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इस जीव को ओशन के अंदर रहना ज्यादा पसंद था। इस जीव का वजन 10 से लेकर 20 पाउंड तक होता है और इस जीव का साइज 2 से लेकर 3 फीट तक होता है। इस जीव को छोटी मछलियां, क्रस्टेशियंस और सेफलोपोड्स खाना ज्यादा पसंद है। इस जीव के फॉसिल एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में पाए गए थे। 1800 के दशक में इस जीव के अलग तरीके की प्रजातियां भी डिस्कवर करी गई थी। ये जीव एक तरह का कार्निवोर शार्क है और ये अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता था। स्लो होने के बावजूद भी इस जीव के अंदर इतना दिमाग था कि अपने शिकार को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता था। इस जीव की कुछ प्रजातियां माइग्रेशन भी करती है ताकि अपने बच्चों को जन्म दे सके और अपने मेट से मिल सके। तो चलिए अब हम एमोनाइट के बारे में जान लेते हैं। एमोनाइट ये एक मैरान एनिमल था जो पानी के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता था। एमोनाइटिक ग्रुप को एमोनाइट्स कहा जाता है। ये जीव डेवोनियन पीरियड से लेकर जुरासिक पीरियड तक एग्जिस्ट करता था। साइंटिस्ट ने इसका नाम एमोनाइट इसलिए रखा क्योंकि जो इसके फॉसिल मिले थे वो स्पाइरल शेप के थे और रैम हॉर्न की तरह दिखते थे। साइंटिस्ट को इसके शेल के बारे में तो बहुत कुछ पता चला क्योंकि इसके शेल के फॉसिल्स बहुत ज़्यादा मिले थे, पर इसका जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट था उनके बारे में साइंटिस्ट ज़्यादा ना जान पाए क्योंकि सॉफ्ट बॉडी पार्ट के फॉसिल ज़्यादा नहीं मिल पाए थे। इस जीव का साइज 6.5 फीट तक होता है और इस जीव का वजन 300 पाउंड तक होता है। ये जीव साइजेज में बहुत छोटे भी होते हैं और कुछ ज़्यादा बड़े भी होते हैं। एमोनाइट्स के शेल के अंदर गैस और फ्लूइड होते हैं ताकि अपने आप को शिकारियों से बचा सके। कुछ एमोनाइट्स शाकाहारी भी होते हैं और कुछ एमोनाइट्स मांसाहारी भी होते हैं। जो मांसाहारी एमोनाइट्स होते हैं वो क्रस्टेशियंस, स्टारफिशेस और छोटे ऑर्गेनिजम्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो मांसाहारी एमोनाइट्स होते हैं वो अपने टेंटिकल्स की मदद से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग बीक भी होती है जो एक पैरेट की बीक की तरह होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।